हेलो गाइस, तो आज हम 15 दिन सर्वाइव करने वाले हैं स्काई आइलैंड पे। एंड ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड चैलेंज है, लेकिन हम फिर भी इसे कर रहे हैं। एंड अगर हम किसी भी आइलैंड पे जाते हैं तो हमें रैंडम सामान या फिर कोई भी लकी ब्लॉक मिल सकता है। एंड इस आइलैंड पे देखते हैं हमें क्या मिलता है, शायद कुछ मिलेगा भी कि नहीं, आई डोंट नो। एंड इस पे सबसे पहले ये सीड वीड वगैरह तोड़ लेते हैं, तभी हमारा डे वन है। एंड टोड़ 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 बहुत सारे हैं, लेकिन हम फिर भी तोड़ेंगे। एंड हमें इनमें से 3 सीड मिले हैं। एंड ये आसपास के अपने आइलैंड ना छोटे मोटे। ओके भाई, मैं सोच रहा हूँ ये नीचे की डर्ट को तोड़कर थोड़ा बहुत अपना आइलैंड बड़ा किया जाए। हाँ, तो मैं काम करता हूँ, इधर से तोड़ना स्टार्ट करते हैं भाई, थोड़ा बहुत लैग हो रहा है। ओके, एंड इधर से तोड़ते हैं नीचे से। ओके, इसे भी तोड़ो, इसे भी तोड़ो, इसे भी तोड़ो। एंड ओके, तोड़ते हैं भाई, इसे भी तोड़ो, इसे भी तोड़ो। ओ भाई, नीचे भाई वो है वॉइड, अगर इसमें गिरे तो भाई हमारे पास जितना भी इम्पोर्टेंट सामान है वो जाने वाला है। तो मैं क्राउच करके कर रहा हूँ ये सब। एंड भाई, क्राउच कर भी इतना इजी नहीं है जितना हमने सोचा है। गलती से भी अगर मैं खड़ा हो गया ना, तो भाई गया इधर से। मैं थोड़ा बहुत इधर से जाने के लिए जगह बना लेता हूँ, ऊपर सीढ़ियाँ इसलिए। एंड इधर से थोड़ा बहुत माइन करते हैं, हमें थोड़ा बहुत डर्ट तो मिलेगा ही, जिससे हम अपना आइलैंड थोड़ा बहुत बड़ा कर सकें। एंड अपने नीचे के लेयर पे ले जाते हैं, काम करेंगे, ये अभी नहीं कर रहे, इसे बाद में करेंगे। एंड सबसे पहला काम है हम इस आइलैंड को भी अपना बना लेते हैं। ओके, तो इसे भी ओके, ये लाइन भी अपनी हो चुकी है, मतलब ये लाइन नहीं, सॉरी, ये आइलैंड भी अपना हो चुका है। एंड मैं इसे थोड़ा बहुत इसलिए बड़ा कर रहा हूँ, अगर कोई मॉब स्पॉन हो जाए ना, मजे आ जाएंगे। जैसे कि सीप स्पॉन होती है तो हम उससे बेड बना सकते हैं। एंड अगर कोई भी ऐसी काऊ, मान लो काऊ स्पॉन होती है, तो हम उससे लेदर के टूल्स बना सकते हैं। एंड और डर्ट को माइन करते हैं, नीचे वाले लेयर पे ले जाते हैं, काम करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत नीचे करेंगे तो हमें डर्ट भी मिलेगी। एंड कुछ नहीं। ओके, तोड़ो तोड़ो भाई, इसे भी तोड़ते हैं। ओके भाई, डे फर्स्ट भाई, तो हमारे पास जो उसमें सामान था सल्कर बॉक्स में, उसका हम बना रहे हैं इस वक्त, क्या बोलते हैं, कोबलस्टोन जनरेटर, ठीक है। ओके, लग जा भाई, ब्लॉक नहीं लग रहे, मैं इसको इसलिए बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसे तोड़ने वाला हूँ। ओके, लावा को डालना है इधर, एंड पानी को उधर डालना है भाई साहब। ओके, लग जा भाई साहब, ये बहुत छोटा है, मैंने वो वाला ब्लॉक में माइन कर दिया। ओके भाई, बन गया कोबलस्टोन जनरेटर अपना, लेकिन मेरे पास अभी पिकेक्स नहीं है यार। पिकेक्स अभी बनाएंगे, अभी उसमें वोड़ भी है भाई, ट्री वीरी तो लगा है इधर, मैंने तो तोड़ लिया है, मैंने तोड़ के सब कुछ उसके अंदर डाल दिया है सामान भाई, सब कुछ उसके अंदर, क्या बोलते हैं, अरे क्या भाई, ट्री के नीचे एक लकी ब्लॉक भी निकला था जिसके अंदर ग्लास निकले थे, एंड ग्लास तो मैंने उसी के अंदर डाल दिया है। और भाई अपना पेड़ भी भाई उग गया भाई, डे वन में ही भाई, क्या नहीं, अभी मैं भाई तो इसे यहाँ पे डालो। एंड ये हमारे 18 ग्लास। ओके, इसे तोड़ो, इसे तोड़ो। एंड हमारे पास ये देखो गाइस, ये कोबलस्टोन जनरेटर अपना, एंड इसे क्या वो। ओके, मैं सोच रहा था ये लावा वो बन चुका है ऑब्सिडियन, लेकिन नहीं भाई, लास्ट ट्राई, बन गया भाई साहब, अपना कोबलस्टोन जनरेटर बन चुका है भाई, हमारे पास लास्ट लावा थी भाई, अगर ये जाती ना तो हमारा भाई सब कुछ चला जाता। एंड अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम अब अपने कुछ स्टोन के टूल्स भी बना देते हैं, मैंने आयरन, मतलब स्टोन की सॉर्ड एंड पिकैक्स बना दिए, एक्स सॉरी। एंड अब देखो कोबलस्टोन जनरेटर से हम कोबलस्टोन माइन करते हैं। ओके, तोड़ो। एंड मैं सोच रहा हूँ कि इसमें थोड़े बहुत कोबलस्टोन जल रहे हैं, तो वीडियो के एंड में जो ना हम क्या बोलते हैं, वो ऑटोमेटिक कोबलस्टोन फार्म बनाते हैं ना। एंड ओके, अगर जैसे जितने भी होते हैं वो स्लैब बना दिया, मैं स्लैब से इस आइलैंड को थोड़ा बहुत बड़ा करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो तो बहुत देर की हो चुकी है अभी भी, तो मैं मिलता हूँ आपको थोड़ा बहुत ये आइलैंड बड़ा करने के बाद, ठीक है। अभी भाई साहब इसे यहाँ पे लिखते हैं। ओके गाइस, एंड गाइस मैं अब दूसरे आइलैंड पे जा रहा हूँ, मैंने वो आइलैंड थोड़ा बहुत बड़ा कर दिया, लेकिन हम दूसरे आइलैंड की तरफ चढ़ाई कर रहे हैं, हमारा डे टू भी स्टार्ट हो चुका है। एंड ओके, लग जा भाई, लग चुका है,
डे टू को भी हमने भाई बहुत सारे कॉल स्टोन तोड़े थे, आपको याद होगा। एंड ओके भाई क्या मैप ओके से तोड़ो से भाई, हमारे पास मैंने पूरा ट्री तोड़ लिया। इसका रिसोर्स आप देख सकते हैं इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं। एंड सैपलिंग और साथ वोट निकले और मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। और अपने भाई आइलैंड पर मॉब भी स्पॉन होना शुरू हो चुके हैं, चिकन विकन एंड बेबी सीप निकली है यार अभी तक। ये बड़ी वाली सीप निकलती तो हम उसे भी बेड बना देते, 3 सीप चाहिए बस। एंड ओके भाई और क्या क्या है इधर भाई, धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं सब कुछ। और हम भाई इस चिकन को मार देते क्योंकि अगर ये डी स्पॉन होता है तो हमारा नुकसान होने वाला है। इधर बहुत सारी सीप स्पॉन हो चुकी हैं लेकिन वो सारी की सारी डी स्पॉन हो चुकी थी मेरे आंखों के सामने। एंड ओके अभी तक हम कॉबल स्टोन जनरेटर से कॉबल स्टोन माइन कर रहे हैं बहुत सारे। एंड ओके गाइस मैं मिलता हूँ आपको बहुत सारे कॉबल स्टोन माइन करने के बाद। एंड गाइस सुबह भी हो चुकी है, हमने बहुत सारे कॉबल स्टोन माइन किए रात को। एंड बहुत सारे चेस्ट में भी रखे, ओ भाई साहब मैं गिर गया होता अभी नीचे, भाई सब बच गया यार। मैं क्या सोच रहा हूँ अब मैं ये नीचे की जो लेयर थी उसे तोड़ रहा हूँ। एंड मैंने इधर लगा दिया था कि और मॉब स्पॉन हो, शीप वीप हो, स्पॉन। ओ भाई नीचे चेस्ट है, भाई नीचे चेस्ट है, मैं उसमें चेस्ट में सामान लेने जाऊँगा अभी भाई साहब। अब मैं पानी वानी उनका सोच लाना पड़ेगा, मेरे पास बकेट पड़ी तो थी वो रही भाई खुल जा मेरा भाई, निकल जा एक बकेट। एंड वो मेरा कॉबल स्टोन फार्म रहा है उसमें से पानी लेकर आते हैं, तब तक मैंने इसे बंद कर दिया भाई, मैं उसमें गलती से गिर न जाऊँ। एंड कॉबल स्टोन फार्म में से पानी निकाल दिया मैंने, अरे यार अब मेरे को वापस इसमें से वो पिकैक्स लेनी पड़ेगी, अरे यार निकल इसे तोड़ना पड़ेगा। एंड इसमें से निकालते हैं अपनी पिकैक्स, ऐसे वापस लगाते हैं इधर, और यही जगह थी शायद से के अब इधर पानी डालते हैं और अपनी जान पे खेल के नीचे जाते हैं। ओके जैसे राम नीचे जाते हैं भाई, गिरना चाहिए, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सामान है, अगर हम नीचे गिरते हैं तो हम मर जाने वाले। ओ भाई एक घोड़ा दिख रहा है और घोड़े का आर्मर निकला है, सैडल निकला है एंड लीश निकली है, और ऊपर ये साइन बोर्ड है, ये पैराग्राफ और उसके नीचे कमांड ब्लॉक। ओके भाई हमारे पास अच्छा सामान आया, हमारे पास खुद का एक पैड भी आ चुका है जिसका नाम घोड़ा है, उसे देखेंगे भाई इसका नाम एंड में क्या रखेगा। अगर हमें नेम टैग मिलता है तो हम इसका नाम रख देंगे। एंड मैं इसे पहन देता हूँ अभी तो भाई, ओके नहीं पहले मैं इसे टेम करके देखता हूँ। ओके टेम हो जा हो जा हो जा, नहीं यार बेइज्जती मारी, अब देखना भाई पक्का दूसरी बार में तो ये टेम हो जाएगा, अरे ये तो मजाक था, तीसरी बार में देखना गाइस देखो, चल भाई मेरा एक ही बार में टेप कर लिया ना मैंने, अरे नहीं मेरा वो शेडल गिर गया कहाँ लगाओ वापस से। एंड ओके हमने से हाथ में पहना के इधर लीक से बांध दिया है। एंड अब रात होने वाली है, एंड ओके रात को हम ज़्यादातर क्या करते हैं कॉबलस्टोन जनरेट करते हैं। तो गाइस क्रीपर फटा था तो ये रहा, तो क्रीपर फटा था तो मैंने इसे वापस से सही कर दिया, इधर वापस से पानी डाल देंगे हम। ओके इसे मैं ऊपर से बंद कर देता हूँ कहीं मैं इसे गलती से गिर ना जाऊँ, अभी नहीं बंद कर रहा क्योंकि अभी रात हो जाएगी तो इधर बहुत सारे मॉब स्पॉन हो सकते हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ अब थोड़ा बहुत कॉल बनाया जाए, और कॉल कैसे बनता है वो तो आपको पता ही है। एंड सबसे पहले हम फर्नेस को कहाँ पे रखें यार समझ में नहीं आ रहा, ये तो फर्नेस तो रख दिया, कॉल बन चुका है, अभी क्या बोल दिया था मैंने अभी गलती से। एंड ओके मेरे पास वोड तो है, ओके टॉर्च बन जाते हैं, 4 टॉर्च बन चुकी हैं अपनी, कैसे यहाँ पे रखेंगे। और कॉल आ जा भाई क्योंकि सारी वोड को हम वेस्ट नहीं करने वाले हैं, कॉल में थोड़े बहुत ही रखी हैं। एंड थोड़े बहुत इधर लगा देते हैं एक दो, ओके एंड और इधर लगा देते हैं, बस ठीक है 4 टॉर्च का काम कम्प्लीट हुआ। एंड ये जो मैंने गलती से लगाया था उन्हें तोड़ देते हैं। एंड मैं इधर सीढ़ियाँ बना रहा हूँ एक टाइप की, ठीक है मस्त लग रहा है। और मैं वीडियो के एंड में सोच रहा हूँ एक मस्त सा ट्री फार्म भी बनाया जाए भाई, बहुत मस्त। एंड और कहाँ पे जा सकते हैं हम, मैं सोच रहा हूँ अब उस वाले आइलैंड पे जाए या इस वाले पे जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे आइलैंड हैं
एंड भाई मैं सोच रहा हूँ ये जो आगे दिख रहा है आपको उस आइलैंड पे जाया जाए, तो ओके भाई उस आइलैंड पे हम चढ़ाई करते हैं, हम अपने दूसरे अगले वाले आइलैंड पे जा रहे हैं मतलब। एंड ओके, रखो 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 भाई, स्पीड क्रॉस करके चलना पड़ रहा है इसलिए भाई। और मेरे को इसमें मिली स्नो बॉल, रैंडम आइटम मिली, और ये हमारे इधर से ये आया, इतना मस्त लग रहा है। एंड ओके भाई, इसे भी भाई डे 3 है, अगर इसकी सुबह हो जाती तो हमारा डे 4 भी स्टार्ट होने वाला है। एंड ओके भाई, कितना मस्त लग रहा है ध्यान से देखो भाई इस आइलैंड को, जो सामने अपना आइलैंड दिख रहा था वो अपना ही आइलैंड था। एंड ओके, हम इस ट्री को तोड़ते हैं और अपना डे 4 भी स्टार्ट हो चुका है। एंड ओके, टूट जा। ओके, बहुत सारी हैं इसमें, हमें वो भी सैपलिंग भी मिलेंगी, इसे तोड़ते हैं भाई। एंड मैंने इधर एक वो टॉर्च इसलिए रख दिया है क्योंकि इधर कोई मॉब स्पॉन ना हो, एंड रात का वक्त है इसलिए। एंड ओके, नीचे से भाई देखते हैं, क्या पता है रैंडम सामान के साथ हमें लकी ब्लॉक में मिल जाए। एंड ओके, हम अपने आइलैंड पे आ गए हैं, हमें उधर कुछ भी नहीं मिला। एंड तो ओके, मैं सोच रहा हूँ अपने आइलैंड को थोड़ा बहुत डर से बड़ा करते हैं ताकि और मॉब स्पॉन हो ज़्यादा, क्योंकि सीप अभी तो स्पॉन नहीं हुई है। इधर बेबी सीप स्पॉन हुई थी, वो भी डी स्पॉन हो गई मतलब। एंड ओके भाई, गलती से मैंने अपनी यही फेंक दी। अब यार ये क्या हो रहा है, ग्लिच। अपना पानी को इधर डालते हैं। एंड ओके, अपने कॉबल स्टोन माइनिंग से लग जाते हैं गाइस वापस से। एंड ओके भाई, ये हमारा आइलैंड भाई, इधर भी काव फंस गए भाई, इससे हमने मिल्क ले लिया, इसे मार देते हैं अब, क्योंकि इधर मॉब डिस्पॉन हो गए तो ये काव डिस्पॉन भी हो जाएगी, फिर हम इससे क्या कर पाएंगे, फिर तो हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं है। और इसके अंदर रख देते हैं हम अपनी ये स्नो बॉल मिली थी, अगर मेरे को पम्पकिन मिल जाए तो मैं क्या बोलते हैं इनका एक वो बनाऊंगा मैं स्नो कोलम, एंड इससे मैं बहुत सारी स्नो निकाल कर कंक्रीट के ब्लॉक की जगह यूज़ करूँगा एंड अपना ट्री फार्म अच्छे से डेकोरेट करने वाला हूँ। एंड ओके भाई, इसे यहाँ पे रखो भाई, फालतू का सामान मतलब जो अपनी इन्वेंट्री में रखते हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट सामान है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और ओके गाइस, मैंने इसे बंद कर दिया है, इसे मैं यहाँ पे रखता हूँ। और इसका नाम लिखा है अवनीश का घोड़ा। एंड क्या कहते हैं, इधर लगाते हैं सैपलिंग जो कि हमें उस वाले आइलैंड पे मिली थी, एंड एक सैपलिंग यहाँ पे, एंड ये वाला कहाँ पे रखूँ समझ में नहीं आ रहा। ओके भाई, इधर ब्लॉक का गैप है यार, मैं जंप करने वाला था अभी इधर से भाई, अगर जंप मिस हो जाती ना, मर जाता मैं अभी भाई साहब। एंड ओके भाई, इस आइलैंड से उधर तो हम अपने वाले आइलैंड पे जाते हैं, चलो चलो चलो। एंड माई गॉड, इधर सीप है भाई, सीप है इधर, मारो 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 भाई, लैग हो रहा है पता नहीं के, आई डोंट नो कैसे भाई साहब, सीप स्पॉन हो गई भाई, 3 है भाई, इसे मार देते हैं, काम करते हैं, नीचे आने दो, क्योंकि अगर गलती से गिर गई तो इसका मरेगी तो इसका सामान भी मतलब नीचे गिर सकता है। ओके मर रहा है, इसे यहाँ पे मारूंगा मैं, ले भाई मर गया। एंड ओके, मैं सोच रहा हूँ ओके, क्योंकि मैंने बैट बजा लिया था तीनों को मार कर। ओके एंड हमारा डे 5 स्टार्ट हो चुका है। एंड क्या सोच रहा हूँ कि हमें मुझे अगले वाले आइलैंड पे जाना है, मैं अपना जो उल्टा मतलब अपना सामान था सारा इधर मैं रख रहा हूँ अपने बैट के पास। एंड सल्कर बॉक्स को भी वहाँ पर रखते हैं। अब मार रहे हैं कॉबल स्टोन माइन, एंड हमारे पास 10 दिन और हैं, हम 10 दिन के अंदर देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या क्या कर पाते हैं भाई। एंड रात होने वाली है, वापस से हो चुकी है, सॉरी मैंने इस वक्त दूर भाई कॉबल स्टोन बहुत ही ज़्यादा माइन करे, आधे से ज़्यादा कॉबल स्टोन तो जल जाते हैं आग में, तो इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मैं सोचा था पूरे दो स्टैक पूरे कर लो, लेकिन नहीं हो पाए वो, इसलिए मैंने आधे से ज़्यादा कॉबल स्टोन चल जाते थे उसके अंदर। एंड मैं रात को दूसरे आइलैंड पे चढ़ाई कर रहा हूँ। एंड ओके भाई, थोड़े बहुत कम पड़ गए ब्लॉक्स मेरे पास। एंड अब मैं अपने आइलैंड पे वापस से रहा था, सोच लेता था हमारे पे हो चुके पूरे 6 दिन। एंड ओके, मैं इसे यहाँ पे लगा रहा हूँ और अपने अगले आइलैंड की तरफ बढ़ते हैं। ओके भाई, इधर लकी ब्लॉक, लकी ब्लॉक के अंदर निकले 4 आइलैंड एंड एक
मतलब कि अपने आइलैंड में कुछ एक्टिविटी करने का, कुछ बनाना यहाँ पे। एंड मैं अपने आइलैंड को थोड़ा बहुत बड़ा कर लेता हूँ उसके लिए, ट्री फार्म के लिए। तो सबसे पहले हमारा जो स्नो गोलम था वो बना लेंगे सबसे पहले। तो ये जो 36 आयरन निकला है इनमें से, तो इन 36 आयरन को हम सेफ इधर रख देंगे, क्या बोलते हैं इस सल्कर बॉक्स के अंदर। एंड ये जो स्नो गोलम होती है, स्नो गोलम बनाते हैं, अभी रेसिपी याद नहीं, शायद से ऐसे होता था कुएं में फैला के। नहीं यार, तो मैंने उधर से देख लिया था रेसिपी बुक में से, तो मैं इधर बना रहा हूँ। ओके, बन गया भाई, फाइनली ये बन चुका है। एंड ये कीड़े ना, तो मैं इसे अभी कहीं पर डाल दूंगा ब्लॉक करके, एंड जब तक से तोड़ते हैं। और मैंने इसे तोड़ के यहाँ पे डाल दिया है। एंड अब मैं सोच रहा हूँ मुझको क्या करना चाहिए, मैं बहुत बुरी तरीके से बोर हो रहा हूँ। एंड अपना ट्री फार्म भी भाई थोड़ा बहुत बना नहीं है, बनाने वाले हैं हम। एंड तो उसके लिए हम थोड़ी बहुत स्नो इकट्ठी कर लेते हैं। ओके, आयरन है। एंड एक और स्नो निकालने का अंदर, मतलब स्नो निकालने का तरीका होता है, जहाँ पे स्नो कॉलम खड़ा है उधर से निकालो। एंड मेरे से पास मैंने एक नया गेम बना लिया, मैं तरी इस तरीके से खेल सकता हूँ खुद को मार कर। किसको मारे यार, इधर कोई है ही नहीं पिटने वाला है। रात को हो चुकी है, तो हम सो चुके हैं, हमारे 8 दिन हो चुके हैं पूरे। एंड ओके, इसके नीचे से अब हम टर्ट निकाल लेंगे। ओके, ओ भाई अभी यार इसकी हिलता डुलता बहुत है यार, इसमें सामने स्नो नहीं निकाल पा रही क्योंकि ये हिल बहुत रहा है, एक जगह पे रुक नहीं सकता भाई ये। अभी रुक जा, स्नो निकालने दे। ओके भाई, ये सॉवल भी टूट चुका है भाई, मैंने सारी स्नो खेलने में वेस्ट कर दी। अरे यार पागल हूँ क्या मैं, गलती छो गया था। एंड ओके, हम जो भी है इसका सॉवल बना लेते हैं थोड़ा बहुत। ओके, एंड ये रहा अपना सॉवल, एंड इसे ले लेते हैं। मैं थोड़ी बहुत और ज़्यादा सॉवल बना लेता हूँ क्योंकि ये सारे टूटने वाले हैं। ओके भाई, आ जा भाई, एक जगह पे रुक जा बस तू, एक जगह पे स्नो निकालने दो बहुत सारी। ओ नहीं यार, गुस्सा आ रही है। ओके, इसे रोक के रख रहा था मैं, लेकिन ये फिर भी चला गया। अब रुक जा यार साले, एक जगह पे रुक नहीं सकता क्या? ओ हो, गलती से भाई हो गया। और ये कहाँ पर भाई, उधर भाग गया। एंड ओके, एक जगह पर थम जा भाई, थम जा। एंड ओके यार, इधर भी थोड़ी बहुत स्नो हमने ले ली है। एंड हमारे पास शायद इनफ स्नो आ चुकी है, हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टैग हैं पड़े हैं अभी स्नो के, तो शायद ये इनफ रहेगी हमारे ट्री फार्म बनाने के लिए। एंड ओके भाई, शायद ये इनफ नहीं है, बहुत ज़्यादा चाहिए क्योंकि इसके ब्लॉक्स की ज़रूरत हमें बहुत ही ज़्यादा है। एंड ओके, हमने सॉवल वावल अंदर रख दिया है, एंड ये स्नो भी हमने सेफली अंदर रख दी है। एंड ओके, अब मैं इनका स्लैब बनाने वाला हूँ। और इस स्लैब से मैंने ये इतनी सारी जगह बनानी है, ये मैंने उनकी आउटलाइन बना दी है। एंड ओके, पर ट्री फार्म होने वाला है इतनी जगह भाई, इतनी फार्म पूरी जगह ट्री फार्म घेरने वाला है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड जल्दी से कमेंट करिए कि ये वीडियो कैसी है। एंड जो फर्स्ट कमेंट करेगा तो मैं उसे उसका कमेंट पिन करने वाला हूँ, एंड अगली वीडियो में उसका शाउट आउट भी करने वाला हूँ। तो जल्दी से कमेंट करो। ओके, एंड ओके भाई, ये स्लैब लगा के मैं सोच चुका हूँ, अब हमारे हो चुके हैं पूरे 9 दिन भाई। ओके, एंड अब मैं क्या करूँ भाई, थोड़ा बहुत कॉबल स्टोन माइन कर लेता हूँ क्योंकि मेरी सारी स्टोन की पिकेक्स टूट चुकी है, मेरे पास स्टोन है भी नहीं। एंड मैंने पूरे डे 8 को वो पूरा ट्री फार्म पूरा कंप्लीट कर दिया था, ये अभी भी इधर ही घूम रहा है। ओके, इसे भी करो भाई, थोड़ा बहुत रह रहा था वो अलग बात है, एंड थोड़ा सा रह रहा था उसे भी कर देते हैं। ओके, करो। ओके भाई, थोड़ा सा रह रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड ओके भाई, इसे भी लगाओ। एंड ये तीन और रह रहे हैं, तीन भी मैंने कर दिए, थोड़ा बहुत और बड़ा कर लेता है साइड से देखो तो। एंड मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ट्री फार्म बड़ा होगा उतना ही अपना फ़ायदा है, क्योंकि ये जो ट्री होते हैं वो बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं, एक ट्री बहुत बड़ी जगह घेरता है, तो मैं उसके लिए थोड़ा बहुत बड़ा बना देता हूँ। एंड इतना शायद से इनफ है। एंड भाई साहब, दिन रात भी होने वाली है शायद। ओ भाई, क्रीपर कैसे आ गए भाई? नो, पीछे से धक्का किसने मारा, कोई नहीं था भाई।
चलो सही है भाई, क्रीपर फटा तो फटा लेकिन उसने भाई कुछ नुकसान नहीं किया अपना, किसी ने पीछे से धक्का मारा था मुझे भाई। ओ भाई साहब, एंड भाई जो भी था भाई अगर सामने होता था वैसे तोड़ देता भाई। अभी पता नहीं कुछ ग्लिच था क्या था, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने थोड़ा बहुत स्नो क्राफ्ट कर लिया एंड भाई लग जाए ऊपर, लग जा लग ही नहीं तो मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा ऐसे, एंड जंप करके कराऊंगा मैं। अभी यार नहीं हो रहा, अब लग जाएगा। हाँ एंड ओके, हमने ये स्नो लगा दिया इधर, तो इसे तोड़ते हैं इधर एंड अपनी स्नो इधर लगाते हैं। एंड ओके लग जा, इधर भी इधर भी इधर भी। ओ नहीं यार, गलती से मैंने वेस्ट कर दी, मेरे पास सॉवल भी नहीं है। मैंने इतना तो देखो भाई इतना कर दिया, इधर साइंड बोर्ड भी लगा दिया ट्री फार्म, एंड मैंने इधर वे भी लगा दिए बहुत सारे ट्री। इधर मेरे को बहुत सारे दिन लगे थे इस ट्री को बनाने में, तो इसलिए पूरे हमें 4-5 दिन हो गए थे सर। ओके भाई डे 13 स्टार्ट हो गया अपना, एंड ओके भाई ये सब मैं एडिटिंग करते टाइम देख रहा हूँ हमारे कितने डे हुए हैं, एंड ये आवाज़ भी अभी जो मैं बोल रहा हूँ कितने डे हुए हैं ये सारी एडिटिंग करते वक्त बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड ओके हम सो चुके हैं, तो 14 दिन हो चुके हैं अपने। ओके भाई एंड ऊपर चलो चलो। ओके भाई ऊपर अपना कॉब्लस्टोन जनरेटर है, एंड ओके भाई सोते हैं भाई रात को। भाई हमने पूरे डे 14 को ही कॉब्लस्टोन माइन किए, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया। एंड ये जो इतनी वो उधर था कॉब्लस्टोन जनरेटर हमने इधर किया है, और उधर का जितना भी डर्ट था वो माइन करके हमने सेफली चेस्ट के अंदर रख दिया था, ठीक है। एंड बहुत कुछ किया, एंड ये सब मैं क्यों नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है, पहले से ही 2 घंटे की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, लेकिन इसे एडिटिंग से मुझे बहुत छोटा बनाना पड़ेगा, एंड इसलिए मैं ये कुछ दिन स्किप कर रहा हूँ, दिखा नहीं रहा उसमें क्या क्या हुआ है। एंड ये देखो गाइस, मैंने ये ऑटोमेटिक स्टोन फार्म भी बना दिया, एंड अपने पूरे 14। अरे भाई उसके अंदर क्यों नहीं जा रहा, ये होपर के अंदर ही क्यों रखा है। लोग उधर जाके चेक करते हैं नीचे जाके। अच्छा भाई इधर से कनेक्ट नहीं हो रहा, उस स्टोन से कनेक्ट हो रहा है, तो उस स्टोन की जगह इसको लगाना पड़ेगा भाई। तोड़ देते हैं इसे एंड इसे यहाँ पे लगाते हैं। ओके अब जा रहे हैं उसके अंदर स्टोन, अब सही है भाई। तो हमारे पूरे 15 दिन हमने इधर सर्वाइव कर लिए गाइस, एंड ये खतरनाक मेरे को एक्सपीरियंस रहा है। तो जल्दी से कमेंट करिए, देखते हैं सब फर्स्ट कमेंट किसका होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।